न जाने कितने मोड़ लेती है, ये जिंदगी भी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पे नया सवाल देती है। हम जिंदगी भर जवाब ढूंढते रहते हैं, जवाब मिल जाए तो झट नया सवाल खड़ा कर देती है। वाका जिनका नाम है सत्यम आनंद जी, उनका सम्मान और आशीर्वाद। संगीत समागम ट्रस्ट के इस 11वें वर्ष में ये आशीर्वाद और हम साथ ही आवाज देना चाहेंगे हमारी एक और मुख्य अतिथि डायरेक्टरेट कल्चरल अफेयर्स की श्रीमती स्वाति काले जी, कृपया मंच पर आए और हमारी हौसला अफजाई करें। श्रीमती स्वाति काले जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिखेगा आपको सर। स्वाति जी, हमने आपका सम्मान तो किया लेकिन पूरा कार्यक्रम देखने के पश्चात वो हमारे लाइफ में थी। थैंक यू सो मच। सर थोड़ा इधर ना, बड़ा ही सुंदर ये आयोजन किया गया है पंडित कालीनाथ मिश्रा जी की जो ये ट्रस्ट है उनका संगीत समागम ट्रस्ट, उनके तरफ से ये आयोजन किया गया, तो बड़ा ही सुंदर ये आयोजन है जो जिसमें पंडित रखाल मिश्र जी जो उनके पिताजी हैं और पंडित किशन जी महाराज जी जो अपने देश के जाने माने वो भी तबला वादक रहे हैं, पद्म विभूषण रहे हैं, तो उनके याद में ये कार्यक्रम किया गया और मुझे इस कार्यक्रम में गाने का अवसर मिला तो बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत ही जितनी तारीफ करूं ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहना चाहिए। तो जो गायन आप करते हैं उसका कौन सा रूप है और किस तरह से मतलब प्रेरित करती है लोगों को? मैं बेसिकली कहूं तो मेरा लाइट क्लासिकल जॉनर है जिसके अंदर हम सभी चीज़ गा सकते हैं, भजन गज़ल पुराने फिल्मी गीत और नए, और मैं कंपोज भी करता हूँ तो इसकी कोई सीमा नहीं है, मैं किसी भी जॉनर को गा सकता हूँ। तो क्या कहेंगे आज के दौर में आप होटलों पर काम करते होंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे या बाहर की बात करेंगे, किस तरह से लोग आपसे प्रेरित होते हैं आपके गाने को प्रेरित होते हैं? मैं देखता हूँ कि आज के समय में लोग जितने भी प्रोग्राम में आते हैं उनका ध्यान जो है वो पोइट्री पर ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट होता है, तो मैं वैसी पोइट्री लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो लोगों को कनेक्ट करें, जिनसे लोग हमसे जुड़े, और ऐसे आज के समय में मैं बहुत सारी ऐसे मेरी खुद की कंपोजिशन है जो मैंने किया हुआ है वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि आज मैंने हे श्याम मुझे अपना ले मैंने पहला भजन गाया, वो भी मेरी कंपोजिशन थी, और बाद में मैंने एक नज़्म सुनाया वो भी मैंने किया है तैयार, और उसके बाद फिर एक गज़ल सुनाया वो भी मेरी थी, तीनों मैंने आज अपने खुद के गाए, लोगों ने इन्जॉय किया। तो जिस तरह से मतलब शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा जो है सरकार हो या कोई गैर सरकारी संस्थान हो किस तरह से सपोर्ट करती है? सरकार की तरफ से तो सपोर्ट है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ, बाकी अपना इंडिया के मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ लोग सुनते हैं, आए दिन कार्यक्रम होता रहता है। और आपकी बात करें तो आपको क्या विजन आगे चलते, क्योंकि आप खुद बाहर खा सकते हैं इस फील्ड में, क्या लोगों को शिक्षा देना चाहेंगे आगे चलते, क्या आपका विजन? बिल्कुल इस फील्ड में लोग आए आगे बढ़ें, बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत सुंदर। डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी ग्रेट इवेंट एंड इट वॉज इन द ऑनर ऑफ फादर ऑफ मिस्टर कालीनाथ मिश्रा जी, एंड सत्यम आनंद जी को इसमें परफॉर्म करने का एक अवसर मिला है वो बहुत बड़ी बात है हमारे म्यूजिकल ग्रुप के लिए। वी हैव आवर ओन म्यूजिकल ग्रुप, सत्यम आनंद जी म्यूजिकल ग्रुप, जिसके साथ मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मेन आर्टिस्ट लीड सिंगर सिर्फ सत्यम आनंद जी हैं, और हमारे साथ बहुत अच्छे बड़े म्यूजिशंस गाते हैं हमारे ग्रुप में, और हम देश विदेश में इवेंट्स करते हैं, वी हैव डन अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन इंडिया अब्रॉड ऑल्सो, एंड आने वाले कुछ दिनों में उड़ीसा में एक इवेंट है हमारा,
इस तरह इवेंट्स का सिलसिला तो चलता ही रहता है एंड बहुत अच्छे और बड़े लोगों के साथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने के लिए, सो वी आर वेरी हैप्पी ऑन दैट. We do corporate events, we do a lot of individual private events and everything. We recently did good shows for some major political events also. We have done mahotsavs. Satyam ji bahut zyada karte hain kyunki wo north pe belong karte hain, north ko. To north ko ke jitne bhi mahotsavs hote hain Bihar ke, वो महोत्सव में हम लोगों को उनको अपना गायकी पेश करने का बहुत मौका मिलता है. सो वी वेरी हैप्पी ऑन दैट. हाउ डू पीपल इन इंग्लैंड व्हाट यू नो क्लासिकल म्यूजिक? नो, पीपल आर कमिंग बैक टू क्लासिकल म्यूजिक. दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ बिकॉज नॉट जस्ट इंडियन बट इवन वेस्टर्नाइज हैव स्टार्टेड गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्लासिकल म्यूजिक. सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी ऑन दैट.